नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्र दोस्तों में शेयर करें, ताकि खेती किसानी से भरा जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो चूहे हमारी फसल, मकान, दुकान में जो चूहे लग जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे हमारी फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए दोस्तों? तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ये चूहा मार दवा है जिसका नाम कमांडो है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने आटा लिया हुआ है और इस आटे में इस दवा को इस तरह से मिलाना है कि ये जो है आटा आपका काला ना दिखे। इसको हाथ से नहीं छूना है दोस्तों, इस बात की सावधानी रखनी है कि इसको आपको हाथ से नहीं छूना है, और दवा को इतनी बारीकी से मिलाना है दोस्तों कि ये जो है आटा आपका काला ना दिखे। नहीं तो ये चूहे जो है ये बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं, तो ये इसको खाएंगे नहीं। तो दोस्तों, हमने ये इसमें चूहा मार दवा मिला दिया है आटे में। तो दोस्तों, इसको हम अब ऐसे पुड़िया बनाएंगे, जहाँ जितनी संख्या में आपको दिख रहा हो कि हमारे खेत में चूहे लगे हैं, तो उस हिसाब से आप इस तरह से पुड़िया बना करके इस तरह से आप जो है इसको आप किसी भी तरह से इसको मोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमको, ये जो पुड़िया बनाई गई है, इसको जहाँ एक चूहों ने अपना बिल किया हुआ है, आशियाना बनाया हुआ है, वहाँ पे ले जाके इसको गिरा देना। जब चूहे इसको खाएंगे तो या तो आपकी फसल छोड़कर भाग जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये चूहा जो है बिल बनाया हुआ है, इसको ऐसे यहाँ पे रख देना है ऐसे। इस तरह से रख देंगे दोस्तों, तो चूहा इसको खाएगा और वो मर जाएगा, या तो आपका
फसल या घर मकान दुकान जहाँ भी होगा भग जाएगा। लेकिन दोस्तों खेत में जो है ये तो अगर यहाँ चूहा मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर अपने मकान में या दुकान में चूहा मार दवा खा के मर जाएगा तो थोड़ा दुर्गंध देगा। तो इसके लिए आप लोग सावधानी बरतनी है कि चूहा मार दवा रखने के बाद इधर उधर आप जहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज समझे कोना समझे वहाँ चेक करें, ताकि चूहा अगर मरा हो तो उसको बाहर फेंक दें ताकि दुर्गंध ना आए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।